जिया जनशक्ति से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिया जनशक्ति में। गाइज लगातार मेरे पास में ईमेल्स आ रहे हैं, सर जी बैंक और एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट हैं हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, हमारे साथ में उत्पीड़न कर रहे हैं। इस प्रकार से लगातार मेरे पास में बहुत ज़्यादा आप लोगों के ईमेल्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं लगातार। ठीक, तो गाइज आपको मैंने एक वीडियो बना करके बता दिया है रिकवरी एजेंटों के बारे में, एक बड़ी राहत आपने देखा होगा। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत हद तक आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अब गाइज हम बात करते हैं इस राहत के बारे में। आप लोगों को पता होगा बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा, आरबीआई के द्वारा और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लोन मॉरेटोरियम रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 आपको प्रोवाइड कराया होगा, कराया है नहीं कराया है कमेंट में बताइएगा। उसके बाद में बहुत सारे YouTube चैनल्स पर वीडियो आनी स्टार्ट हो गई कि हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, हम आरबीआई का धन्यवाद करते हैं। ये बहुत सारे आपके जो मैं कमेंट्स देखता हूँ, लोगों के बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ YouTube पर जो कि इस तरीके से आपको बताते हैं। अब आप मुझे ये बताइए आप में से कितने परसेंट ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि आपको मॉरेटोरियम मिले और रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 आपको मिले, कितने परसेंट ऐसे व्यक्ति हैं कमेंट जरूर करना। गाइज देखिए आप एक बात सोचिएगा, ये जो मॉरेटोरियम वाला मैटर है ना, ये मॉरेटोरियम तो आप ऐसे मानिए मेरी भाषा में जैसे अपनी गर्दन पर खुद ब खुद आरा चलवाना। कैसे? देखिए आपने लिया है मान लो 2 लाख रुपए का लोन किसी बैंक और एनबीएफसी से, ठीक, आपने मॉरेटोरियम ले लिया, उस पर ब्याज लग गया तो वो लगभग आपका 3 लाख बन गया, 3.5 लाख बन गया 2 लाख का, इस तरीके से हो रहा है। अब तक ये जो रिक्वेस्ट कर रहे थे ना मॉरेटोरियम के, तो देखिए ये तो बैंक और एनबीएफसी आपको 100% प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि इसमें इसका बेनिफिट है, बैंक और एनबीएफसी इसका बेनिफिट है और आरबीआई का इसमें बेनिफिट है। लेकिन अगर ये हमारी सरकार आम बोरोवर के बारे में सोच रही है, आम व्यक्ति की जो समस्याएँ हैं उनके बारे में सोच रही है, तो आपको इंटरेस्ट फ्री मॉरेटोरियम प्रोवाइड कराएँ तो मैं मानूँ कि वाकई में ही जो हमारी गवर्नमेंट है ये बोरोवर की अच्छे तरीके से ध्यान रख रही है, बोरोवर का अच्छे तरीके से सोच रही है। गाइज आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे माता पिता जो होते हैं, हम मान लो 5 बहन भाई हैं या 4 बहन भाई हैं, उनका बराबर ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए, किसी भी तरीके से अच्छे तरह से वो ध्यान रखते हैं सभी का, ठीक। तो यही हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस समय दिक्कत लोगों के पास में इतनी ज़्यादा है, कोई भी अर्निंग का स्रोत व्यक्ति के पास में नहीं है और उनको किसी प्रकार की कोई भी रिलीफ नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट को हर तरह से देखना चाहिए कि इस पर कैसे कार्य किया जाए और कैसे लोगों को समाधान प्रोवाइड कराया जाए। ये जो लगातार आप लोगों को पता होगा आज PIL फाइल हो गई, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, इससे आम बोरोवर को क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे बताइए। अगर हमारी गवर्नमेंट इतनी ही सहायता करने वाली बन रही है तो जो हमारा जो सिविल हैम्पर किया जा रहा है इन बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा, इसको रोके। भाई आप लोग सभी जानते हैं अच्छी तरीके से, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि मैं अपने लोन का भुगतान ना करूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि उसका जो लोन है डिफॉल्ट हो और उसके फाइनेंशियल जो मैटर है उस पर धब्बा लगे, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। लेकिन यार क्या करें, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी आपको ऐसा रिलीफ नहीं मिल रहा है कि जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई हम काफ़ी अपने आप को सुरक्षित फील करें, हम काफ़ी आपको अपने आप को अच्छा महसूस करें। लगातार लोगों के मन में टेंशन रहती है कि यार मेरे पास में कमाई का कोई साधन है नहीं, अब मेरी नेक्स्ट मंथ किस्त आ जाएगी, फिर मेरे पास में रिकवरी एजेंटों के कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मुझे लोग प्रताड़ित करना ये लोग शुरू कर देंगे। अब वो व्यक्ति इतना टेंशन में रहता है, ना तो वह अच्छे से खा पाता है, ना अच्छे से अपने आप को सुरक्षित रख पाता है और उसको फिर ऐसी बीमारियां जकड़ लेती हैं, क्योंकि व्यक्ति को टेंशन हो जाती है, घबराहट हो जाती है, कोई किसी प्रकार का सोल्यूशन उसे नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा व्यक्ति डर जाता है। अब देखिए अगर आपको एक राहत प्राप्त करनी है सरकार से, तो आपको सरकार से निवेदन करना पड़ेगा, सरकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि देखिए हमें किसी प्रकार से कोई ना कोई तो ऐसा सोल्यूशन दीजिए जिससे कि हम अपने जो सारी चीज़ें हैं उसको मैनेज कर सकें, क्योंकि हमारे पास में कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं है, हमारे पास में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि हम अपने लोन की भरपाई कर सकें, क्योंकि लास्ट सहारा आपके पास में सरकार है
और आप अपनी सरकार से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। गाइज हम लोग आपको निरंतर वीडियो बना करके अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, आपके राइट्स क्या हैं वो आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपको बेहतर तरीके से रिलीफ मिल जाए। मेरी आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गवर्नमेंट को पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए आम व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, आम व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और ज़्यादातर अगर हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे तो देखिए ये जो बोरोवर बहुत ज़्यादा परेशान है, लगातार इनके साथ में उत्पीड़न हो रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए गाइज मेरे पास में समय तो नहीं होता है, लेकिन अभी भी अगर आप टाइम चेक करेंगे तो रात के 2:34 हो रहे हैं, जिस समय मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ध्यान से दिख नहीं पा रहा होगा आपको, लेकिन 2:34 हो रहे हैं पूरे मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। क्यों कर रहा हूँ? कि आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन मिल सके, आपको बेहतर से बेहतर समाधान मिल सके, आपको बेहतर से बेहतर कहते हैं ना रिलीफ मिल सके। मेरा ना तो किसी बैंक से लोन है, ना मेरा किसी NBFC से लोन है, क्योंकि भाई लोग मैं इन पचड़ों में पड़ता नहीं हूँ, सीरियसली बताऊँ। हालाँकि कभी ना कभी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ जाती है, बट मैं इन लफड़ों में पड़ता नहीं हूँ। भगवान की दुआ से, आपके आशीर्वाद से किसी प्रकार की कोई भी मतलब कमी तो नहीं है, सब ठीक ठाक है, और बाकी आपका आशीर्वाद बना रहा तो आगे भी सब लोग अच्छा ही रहेगा, सब एकदम ठीक ही रहेगा। तो गाइज़ आप अगर बड़ी राहत चाहते हैं सरकार से, तो आप ट्विटर पे हैशटैग चलाइएगा अच्छा सा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि हम लोग क्या ऐसा हैशटैग चलाएं जिससे कि हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकें, क्योंकि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। बस मेरे को आपसे इस वीडियो में यही कहना था और यही आप लोगों से पूछना था। धन्यवाद।